फरहट क्षेत्र के ज्यादातर गांव में देखा गया है कि बरसात के समय प्रखंड अस्पताल बैंक तथा बाजार से कट जाता है। प्रखंड गौनाहा पंचायत सिटी का ग्राम पिजाड़ी एक ऐसा गांव है जो दो नदी के बीच में बसा हुआ गांव है, जो दोनों नदी गांव के बगल से गुजरने के बाद आपस में मिल जाता है, जिससे ये गांव बरसात के समय घिर जाता है, जिस पर अब तक सरकार की तरफ से इस गांव को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे इस गांव की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। तो ये बताएं कि नदी में पानी आ गले से का करो, जिंदगी में समस्या वाला का का मन कठिनाई के सामना करने का जिंदगी में समस्या वाला नदी में पानी आ गला तो हमने के भोजन मिलल मुश्किल हो जाला जी, यहाँ से दूसरा गांव में गए मुश्किल हो जाला, हमने के वहाँ भेल नहीं सकल जाला, नून घट जाए तरकारी घट जाए वो भी ना ले आ सकल जाए, यहाँ से मैदान कर भी जाए के नहीं सकते जब पानी आ जाए तो लोग के केतहू आवे जाए के बन होला, जब के जाए के बंदे रहला चाहे खेते लागत ओ पार आ बाढ़ आवला तो तीन दिन रोपनी बंद होला, सवेरे आए तो 12 बजे 1 बजे बाढ़ सटी तब आदमी आवे जाए। आपके गांव में जैसे नदी पार करके जा रहे हो बरसात दिन में कैसे पहुंच जाते हैं? बरसात के दिन में बाढ़ आ जाती है तो नहीं जाते हम लोग पढ़ने। प्रयास ना करते प्रयास तो करबे कर जाला तब कोनो करते ही नहीं कहते खाती कोई हमने से बने वाला बा वोट भर ले ओकर बाद ओकर बाद में सरकार पुल बना दिए हमने कुतरे एकदम सुविधा तो वो अपन गाड़ी घोड़ा लेके जाए या चाहे के उनको भरा लेके आए नहीं तो हेल जाए चल जाए चल आए। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में जाने वाली सड़क में यातायात बहाल करने के लिए डनी नदी में पुल का निर्माण हो। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप हमारे इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोग करें, जिनके लिए जिला पदाधिकारी जिनका नाम है अभय कुमार, जिनका मोबाइल नंबर है 0625423255 इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।